हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग सेफ हो और घर पर हो। आज के वीडियो में मैं एक्चुअली सोच रही थी आई विल जस्ट टेक ऑफ दिस ब्यूटीफुल मेकअप दैट आई हैव ऑन माय फेस एंड आई हैव अ न्यू प्रोडक्ट टू टेस्ट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पर हिट कर देना। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है nidhi.167। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले तो आई विल जस्ट यू नो बालों को पीछे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज यू नो मेकअप रिमूव करते वक्त यू डोंट वॉन्ट कि बाल आँखों पे आएँ, चेहरे पे आएँ एंड देन इरिटेट करते हैं वो। तो आई जस्ट टेक माई हेयर बैक, मैं फटाफट से बस अपनी लैशेज और रिमूव कर लूँगी। आओ, सो जिन प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही थी वो है लॉरियल पैरिस रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल रेंज। नाउ लॉरियल पैरिस रिवाइटलिफ्ट का जो क्रिस्टल माइक्रो एसेंस है दैट आई हैव बिन यूजिंग ऑलरेडी, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। आई रिव्यूड इट लास्ट ईयर एंड इट्स अप ऑन माई चैनल बाय द वे, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट। इसमें सैलिसिलिक एसिड है जो कि एक माइल्ड एक्सफोलियंट होता है एंड इट जस्ट पेनिट्रेट्स सो डीप इन टू योर स्किन, आपकी स्किन को रेडियंट और ग्लोई और क्लियर बनाने में हेल्प करता है। आई हैव ऑल्सो ट्राइड देयर शीट मास्क लास्ट ईयर एंड इट वॉज ऑल्सो रियली रियली गुड। एंड दिस टाइम देर इज़ अ न्यू एडिशन टू द होल रेंज, इट्स द लॉरियल पैरिस रिवाइटलिफ्ट माइसेला वाटर। इट्स एन ऑयल फ्री प्रोडक्ट एंड दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टूडे। आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट बिकॉज लॉरियल पैरिस का जो क्रिस्टल रेंज है इट इज़ ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इवन फॉर द सेंसिटिव वन। एंड आई हैव ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड टू ऑफ देयर प्रोडक्ट्स विच इज़ द माइक्रो एसेंस एंड द शीट मास्क, बोथ ऑफ देम वर्कड अमेजिंगली फॉर मी। सो अभी माइसेला वाटर की बारी है। सो ये मेकअप तो रिमूव करेगा ही करेगा, साथ में आपके पोर्स को भी क्लीन करता है, एट द सेम टाइम आपकी स्किन को सूद डाउन भी करेगा। लेट मी शो यू हाउ दिस वर्क्स। बट बिफोर आई बिगिन आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू गाइज दैट दिस वीडियो इज sponsored by L'Oreal and I'm so happy because this product is really amazing. So let me show you how this works. So मैं ये अपने reusable cotton pads ले रही हूँ। So I've taken some on my cotton pad and मैं अपनी आई के ऊपर थोड़ी देर के लिए इसको रखूँगी, से अराउंड 10 seconds, एंड साथ के साथ मैं थोड़ा सा इसको हिलाती जा रही हूँ जिससे कि जो मेकअप है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। एंड आई एम सो सैड टुडे बिकॉज आज मेरा मेकअप इतना ज़्यादा अच्छा हुआ था ना, बट वेल इट्स ओके। ओके, सो व्हेन आई एम लाइक हो गए 10-12 seconds हो गए, सो आई एम जस्ट गोइंग टू वाओ, जस्ट लुक एट दैट, मेरी आँख पे बिल्कुल भी रेजिड्यूज नहीं है। इनफैक्ट मेरी आँख पे बिल्कुल भी रेजिड्यू नहीं है, इनफैक्ट ऐसा लग रहा है मैंने मेकअप ही नहीं लगाया था। इट इज़ ऑल क्लियर गाइज, जस्ट लुक एट दैट, दैट इज़ लाइक वन स्वाइप, एक ही बार में सब निकल गया। And that is why I said that it's amazing. So मैंने सिर्फ इसी cotton pad को दूसरी तरफ में पलट लिया है and I'm just going to apply it on my other eye. Again, हम वही 10-12 seconds के लिए, साथ में मैं मसाज करती जा रही हूँ सर्कुलर मोशन में, and 10-12 seconds के लिए इस पर भी रखेंगे and then we'll pull it off. जब मैं wipe off करती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा harsh नहीं रहती हूँ because you know you have to be very very gentle while you're doing this. It's all gone. This is amazing. Guys, this is amazing. Just look at that. Lipstick. Okay, so this is not a non-transfer lipstick, but it is red lipstick. Or red lipstick nikalna thoda sa mushkil rehta if you guys know that. Let's see. Same pad, I've not taken extra. Let's see. Just like magic. Meko literally yehi gaana mere dimag mein aata hai is waqt. So, लिपस्टिक गॉन, बिल्कुल भी वो रेड माउथ नहीं हुआ, इट्स ऑल गॉन बिना मेस के। एंड आई एम नॉट चेंज्ड माय पैड, आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई लाइक मसाज दिस पैड इन सर्कुलर मोशन मेरे कंप्लीट फेस पे, जस्ट लाइक दैट इट विल स्टार्ट क्लीनिंग माय फेस। मुझे बहुत यू नो इसे रब नहीं करना, आई एम जस्ट बहुत हल्के हाथ से, इनफैक्ट मैं कॉटन को तो इसको तो रब भी नहीं कर रही, आई एम जस्ट मसाजिंग माय हैंड इन सर्कुलर मोशन एंड वो सारा का सारा मेकअप को ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन करता जा रहा है। इनफैक्ट ये जो मैसेला वाटर है यू कैन यूज़ दिस एवरी डे बेसिस पे भी बिकॉज ये पोर्स को भी क्लीन करता है, आपके फेस पे जो ऑयल या डर्ट है उसको भी रिमूव करेगा। सो यू कैन यूज़ दिस एज अ फर्स्ट क्लेंज एवरी डे एंड यू डोंट हैव टू लाइक वेयर मेकअप टू यूज़ दिस। ऑनेस्टली आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट जस्ट वर्क्स सो क्विकली। सो माई फेस इज़ नाइस एंड क्लीन, बट
बस मन की शांति के लिए मैं एक और बार सेकेंड राउंड क्लेंस का करूँगी, बिकॉज अगर कुछ भी रेसिड्यू रह गया है तो उसको भी ये अब रिमूव कर देगा, बचा खुचा कुछ रह गया होगा अगर, तो अदरवाइज़ मेरे फेस से ऑलमोस्ट सब कुछ निकल तो चुका ही है, बट जस्ट फॉर मन की शांति आई एम डूइंग दिस। ये बहुत ही बढ़िया है, लाइक एक तो ये बहुत जल्दी काम करता है, प्लस आपके फेस पे यू नो छोटी से छोटी इम्प्योरिटी भी अगर है ना तो उसको भी रिमूव कर देगा। सो मेकअप के अलावा सेबम, ऑयल, डस्ट, सब कुछ यू कैन यूज़ इट ऑन एवरीडे बेसिस एंड आपका स्किन का टेक्सचर जो है आप इम्प्रूव होते हुए देखोगे, बिकॉज इट जस्ट क्लीन्स योर स्किन टू द कोर, टू द पोर्स। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मसाला वाटर इज़ कि ये जो है सेंसिटिव स्किन के लोग भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ ग्रेट फॉर सेंसिटिव स्किन। ऑयली स्किन के लिए भी ये ग्रेट है, बिकॉज दिस डजेंट हैव ऑयल इन इट एट ऑल, दिस इज़ ऑयल फ्री। सो आपके ऑयली स्किन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आई लव दिस मसाला वाटर, इट्स रियली रियली नाइस, हाईली रिकमेंड दिस। इस बॉटल में आपको मिल जाता है 95 ml एंड दिस रिटेल्स फॉर 299 rupees। नाउ क्योंकि मसाला वाटर आपके फेस से सारा कुछ यू नो इट विल जस्ट सक इट आउट, आपका मेकअप भी, इफ़ देर इज़ एक्स्ट्रा ऑयल और सिबम वो भी, डस्ट, डर्ट, सब कुछ निकाल देगा। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप अपने स्किन में नरिशमेंट को वापस से ऐड इन करो, एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग L'Oreal Paris Revitalift क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। नाउ दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट, आई ऑलरेडी हैव अ रिव्यू ऑन दिस ऑल्सो, यू नो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन अ लॉट अबाउट दिस, दिस इज़ ग्रेट। अगर आपकी ऑयली स्किन है दिस इज़ एन अमेजिंग टोनर कम एसेंस वाला प्रोडक्ट, एंड यू ऑल यू हैव टू टेक इज़ लाइक अ फ्यू ड्रॉप्स, और आप इसको अपने हाथों पर ऐसे करके मसाज करके जस्ट पैट इट इन टू योर स्किन। नाउ दिस हैज़ सैलिसिलिक एसिड इन इट, तो सैलिसिलिक एसिड जो एक माइल्ड एक्सफोलियंट होता है तो आपकी डेड स्किन को ये फटाफट रिमूव करेगा, एंड स्किन रिन्यूअल प्रोसेस जो है वो फास्टर हो जाता है। इट्स बेसिकली अ BHA है ना, दैट्स मे को भी कुछ दिन पहले ये पता चला था, इट्स अ BHA सैलिसिलिक एसिड, एंड ये जो है आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा एट द सेम टाइम। इसका टेक्स्चर इतना ज़्यादा लाइट वेट है, जस्ट पेनिट्रेट्स डीप इन टू योर स्किन, लव दैट अबाउट दिस, एंड आई डोंट हैव टू एक्चुअली टॉक अ लॉट अबाउट दिस। तो माइक्रोसेंस जो है वो फटाफट से स्किन में समा जाता है, एंड आज मेरे को लग रहा है बस यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू पैम्पर माई स्किन अ लिटिल बिट मोर, बिकॉज आई हैव बिन वेयरिंग मेकअप अभी पिछले 15-20 दिन से लगातार। सो आई विल बी यूजिंग अ शीट मास्क, एंड आई ट्राई टू यूज़ अ शीट मास्क एवरी यू नो ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक एट लीस्ट, एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग L'Oreal Paris Revitalift क्रिस्टल माइक्रो एसेंस शीट मास्क। नाउ आई हैव अ डिटेल्ड रिव्यू ऑन दिस प्रोडक्ट, आई लव दिस, इनफैक्ट मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी दिया था ये, एंड शी हैज़ वेरी वेरी ड्राई स्किन, तो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। यू नो शीट मास्क, अगर आपका ड्राई स्किन है ना यू विल लव द कॉन्सेप्ट ऑफ शीट मास्क, बट इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू माइट नॉट लाइक इट। ड्राई स्किन जस्ट आई मीन जस्ट ट्राई इट आउट एंड यू विल फॉल इन लव विद द कॉन्सेप्ट ऑफ शीट मास्क। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शीट मास्क जब यूज़ कर रहे हो तो इसको डिस्कार्ड भी आप प्रॉपरली करो, ड्राई वेस्ट को ड्राई में और वेट वेस्ट को वेट में। दिस वन इज़ फुल ऑफ सीरम, इसका जो शीट है ना इतना ज़्यादा पतला शीट है, एंड इट इज़ पैक्ड विद लाइक सो मच ऑफ सीरम कि मैं इसको 25 मिनट के भी लगा के रखूँ ना अपने फेस पे तो भी ये ड्राई आउट नहीं होगा। इट इज़ सो पैक्ड विद सीरम, इट फील्स सो नाइस एंड सो कूलिंग ऑन द स्किन। आई मीन गर्मियों में तो और भी अच्छा लगता है। आई जस्ट लीव इट लाइक दिस फॉर 15-20 minutes एंड उसके बाद हम इसको रिमूव कर लेंगे। ओके गाइस, सो इट्स बिन अराउंड 15-20 minutes, आई हैव क्लीनड अप एवरीथिंग एंड यू नो क्लोज अप वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ ले लिया मैंने। नाउ इट्स टाइम टू टेक ऑफ दिस, फील सो नाइस। आई एम जस्ट गोइंग टू लीव माई स्किन लाइक दिस बिकॉज यू नो ये अच्छे से और पेनिट्रेट हो जाए, और शीट को लेकर के मैं अच्छे से सब जगह अप्लाई कर लूँगी बिकॉज इट स्टिल हैज सो मच इन दिस। And that is it for this Get Unready With Me. L'Oreal Paris का जो ये क्रिस्टल रेंज है I love this. ये micellar water is my new favorite. I would highly recommend it कि आप इसको try करके देखो। इसकी ये जो छोटी bottle है ना this is 95 ml, ये 299 की retail करती है, and there is a bigger bottle which is 400 ml, that is I think 899 rupees। exact prices मैं screen पर mention कर दूंगी। also as I mentioned earlier no introduction to this, but ये भी अगर आप try करना चाहते हो I would always recommend आप
आप कोई भी स्किन केयर अगर ट्राई करते हो, हमेशा सबसे छोटे साइज़ की बॉटल परचेज करो, कोई भी स्किन केयर हो, सो दैट आप टेस्ट आउट करके देख सकते हो ना कि आपकी स्किन के साथ में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जा भी रहा है या नहीं जा रहा. सो दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन 3 sizes. आप सबसे छोटा साइज़ यूज़ करके देख सकते हो. इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, इन्वेस्ट इन अ बिगर बॉटल, बिकॉज बिगर बॉटल इज ऑलवेज चीपर एज कम्पेयर टू स्मॉलर बॉटल्स. ऑल्सो देर इज़ अ स्मॉल लिटल गिव अवे फॉर यू गाइज, बिकॉज एज आई प्रॉमिस देर बी अ लॉट ऑफ गिव अवेज दिस मंथ. सो इस गिव अवे में आप जीत सकते हो अ फुल साइज, लाइक अ बिग साइज ऑफ लॉरियल क्रिस्टल माइक्रो एसेंस, एंड अलॉन्ग विद दिस माई फेवरेट लॉरियल पैरिस क्रिस्टल शीट मास्क. यू कैन गेट बोथ ऑफ दीज. इस गिव अवे के रूल्स जो हैं बहुत ही सिंपल हैं. सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? उसके बाद आपको कॉमेंट करके बताना है कि लॉरियल के प्रोडक्ट्स आपको कैसे लगते हैं, एंड जस्ट राइट #NKBirthdayGiveaway, एंड दैट इज इट. That's all you have to do. कोई Instagram नहीं है, कुछ नहीं है, just subscribe and comment down below. As simple as that. सारे के सारे products के links जो है वो मैं description box में आपके लिए mention कर दूंगी. Make sure to check them out. This is my new favorite. Like seriously my new favorite. It just removes the makeup so amazingly. So that's it for this video. I hope you guys enjoyed it. अगर अच्छा लगा है तो make sure कि video को आप like कर दे, subscribe कर देना if you haven't already. And I will see you guys in my next one. Till then take care. Bye.